केजरीवाल का आईफोन अनलॉक कराने एप्पल के पास पहुंची ईडी, उसके बाद फोन से क्या निकला आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बता रहे थे फोन का पासवर्ड? आखिर ईडी से क्या छुपाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? तिहाड़ जेल में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल, जाने कैसे कटेंगे अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ में 15 दिन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीते एक सप्ताह से प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है और उनसे कई सवाल भी किए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जांच के दौरान एक चुनौती सामने आई है, जिसमें ईडी अरविंद केजरीवाल का फोन नहीं खोल पा रहे हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की अगर माने तो अरविंद केजरीवाल ने अपना आईफोन स्विच ऑफ कर लिया है और उसका वे किसी को पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। इसके बाद ईडी ने फोन पे मौजूद डेटा को एक्सेस करने के लिए एप्पल से संपर्क किया और उसने मदद मांगी। एप्पल आईफोन अपने हाई सिक्योरिटी की वजह से काफ़ी चर्चा में है और एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तुलना में एप्पल ज़्यादा सिक्योर बताया जाता है। साथ ही बिना पासवर्ड के आईफोन का डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में बताया गया कि ईडी ने जब एप्पल से संपर्क किया और अरविंद केजरीवाल के फ़ोन को ओपन करने के लिए मदद मांगी तो कंपनी ने कहा कि डेटा हासिल करने के लिए पासवर्ड जरूरी है। ईडी को केजरीवाल के 4 फोन मिले थे जिन्हें जब्त कर लिया गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। एजेंसी ने सीएम को 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है और जिस पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने मोहर लगा दी है। शराब नीति के मामले में केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है और ईडी के आरोप में कि तथाकथित नई शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। हालांकि आप नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं और तिहाड़ जेल के जिस बैरिकेडिंग नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है उनमें कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बंद थे, लेकिन फिर उन्हें जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया। मनीष सिसोदिया, कविता और विजय नायर सब अरविंद केजरीवाल के अगल बगल ही रहेंगे, लेकिन किसी से भी किसी की मुलाकात नहीं हो पाएगी। सभी आरोपियों की जेल में अगल बगल ही हैं, लेकिन किसी भी सूरत में एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। उम्मीद कम ही है कि अंदर कोई बैठक भी हो पाए, क्योंकि एक ही दीवार के पीछे होते हुए भी सभी एक दूसरे से जुदा रहेंगे। केजरीवाल ने जेल में अध्ययन के लिए कोर्ट से 3 किताबें की मांग की है। केजरीवाल ने रामायण, गीता और निर्जा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की मांग की है। इसके अलावा जेल में दवा रखने की भी इजाजत मांगी है और साथ में 6 लोगों के नाम जो उनसे मिले उनके लिए भी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।